इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। महाराष्ट्र में विश्वासघात की सरकार, पिछले कई दिनों से जारी महाराष्ट्र की सियासी नौटंकी ने रातों रात करवट ली है और मंजर बदल गया। रात तक यही कयास लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र में सेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की हुकूमत इख्तदार पजीर होगी, पर सुबह तक मंजर बदल चुका था। देवेंद्र फडणवीस फिर से वजीर आला का हल्फ उठा रहे थे और डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार फाइज हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात तस्वीर बदल गई? एनसीपी मुखिया शरद पवार का कहना है कि अब भी विधायक यानी कि एमएलएज हमारे साथ हैं और फडणवीस हुकूमत अक्सरियत साबित नहीं कर पाएगी, पर फिलहाल सच्चाई यही है कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने डिप्टी सीएम का हलफ उठाया है। अखबारों की सुर्खियां भी आज झूठी साबित हुई हैं। जब सुबह भाजपा हुकूमत ने हलफ लेकर मुकम्मल कर लिया, इसके साथ ही महाराष्ट्र में सदारती कानून को हटाया गया और देवेंद्र फडणवीस फिर से वजीर आला बने। शरद पवार ने पूरे अमल पर ही सवाल उठाते हुए एतराज दर्ज किया है। फडणवीस के हलफ के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने अपने भतीजे पर तनकीद की और कहा कि अजीत पवार ने नायब वजीर आला बनने से एनसीपी का कोई ताल्लुक नहीं है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला लिया था और उनके पास लगभग 170 रुकन असेंबलियों की हिमायत हासिल थी। उन्होंने अजीत पवार के फैसले को एनसीपी की विचारधारा के खिलाफ बताया और कहा कि इसके ताल्लुक में पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है बताया और कहा कि इस संबंध में पार्टी जरूर कार्रवाई करेगी। शरद पवार ने यह भी कहा कि फडणवीस असेंबली में अक्सरियत साबित नहीं कर पाएंगे। शरद पवार ने यह दावा भी किया जो भी रुकन अजीत पवार के साथ गए थे वे वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमएलएज को पता नहीं था कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है और उन्हें हल्फ लेने का भी इल्म नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ रुकन भी शरद पवार के साथ मौजूद थे। पार्टी एमएलए राजेंद्र सिंह ने इस दौरान कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि देवेंद्र फडणवीस हल्फ लेंगे। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी एमएलएज के हिमायत की जिस चिट्ठी के बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा किया है उसे गलत ढंग से पेश किया गया है। शरद पवार के मुताबिक उस खत में 24 एमएलए की दस्तखत थी मगर अजीत ने उसका कवर बदल दिया। उन्होंने कहा कि वे लोग ऐवान में अक्सरियत साबित नहीं कर पाएंगे। शरद पवार ने भरोसे के साथ कहा कि हुकूमत हम ही बनाएंगे क्योंकि हमारे पास नंबर हैं और इसमें किसी भी लिहाज से शक व शुबा पैदा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस बात को भी वाजह किया कि भतीजे शिवसेना से इत्तेहाद पर सख्त नाराज थे, इस बात को उन्होंने खारिज किया। इस बात को भी गलत बताया कि सुप्रिया सुले को 2.5 साल सीएम बनाने की पेशकश रखी गई थी। सबसे बड़ा सदमा तो लगा है शिवसेना को और शिवसेना मुखिया उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा की जानिब से जो खेल खेला जा रहा है इसे पूरा मुल्क देख रहा है। हम जो करते हैं दिन के उजाले में करते हैं, वो लोगों को तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। भाजपा ने महाराष्ट्र में सर्जिकल स्ट्राइक की है। संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार ने महाराष्ट्र के लोगों के पीठ में चाकू घोंपा है, उन्होंने शरद पवार को धोखा दिया है। अजीत पवार की हरकतें शुरू से ही तश्वीशनाक थी ऐसा उनका कहना है। शरद पवार के साथ उनके घर के शख्स ने विश्वासघात किया है, यह पैसा और ताकत का गलत इस्तेमाल है। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्या अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ दिया क्या अपने जाति मुफाद के लिए? और अजीत पवार पर कोऑपरेटिव बैंक का 25,000 करोड़ के घोटाले सिंचाई घोटाले में भी जारी है पूछताछ, ईडी का भी मामला दर्ज है। शायद इन सभी से बचने के लिए शरद पवार को धोखा दिया गया हो। एक रात में गोया सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए गए। यह भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने सिर्फ एनसीपी को ही नहीं तोड़ा बल्कि शरद पवार के परिवार को ही तोड़ दिया। सियासत में कोई भी किसी का नहीं होता, यह एक बार फिर मंजरेआम पर आ गया है। वाकई इस तमाशे ने तो पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया है। एक रात में तस्वीर को बदलते शायद इस मुल्क ने पहली बार देखा है। आखिर ऐसा क्या बात है जिससे भी भाजपा कहीं पर भी हुकूमत बना लेती है? क्या ईडी इनकम टैक्स की धमकियां दी जाती है या फिर जेल और मुकदमों में मुलविस करने का खौफ दिखाया जाता है? हर रियासत में तकरीबन इसी तरह का खेल खेला जा रहा है। एक बार फिर महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात करने की बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि शिवसेना एनसीपी के कई एमएलए को खरीदा गया है। कर्नाटक में भी इसी तरह का नाटक खेला गया था। आखिर में कांग्रेस जेडीएस हुकूमत को गिरा गया।
और नौबत बाय इलेक्शन तक आ गई। अब देखना यह है कि क्या फडणवीस अजित पवार हुकूमत अपनी अक्सरियत असेंबली में साबित करती है या नहीं। जो भी हो, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि कोई भी पार्टी अब सेक्युलर कहने के लायक नहीं रही, क्योंकि भाजपा कहीं भी किसी भी पार्टी की किसी भी अफराद को अपने खेमे में लाने का हौसला और कुव्वत रखती है। फिर इसके लिए कोई भी तरीका हो, पहले तो यह कहा जाता था कि ईवीएम भाजपा को वोट देता है, फिर एमएलएस किसी भी पार्टी से जीत ले भाजपा में चले जाते हैं, अब तो पार्टियां ही भाजपा में शामिल होने लगी है। यह कह सकते हैं आखिर करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन क्यों लड़ा जाता है, ऐसे भी कई लोगों का सवाल वाजिब तौर पर उठाया जाए। देश का मुस्तकबिल संवारना शायद अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कुछ सियासी दानिशवरों का कहना है कि अब तो एहसास ही खत्म होता जा रहा है, जमीर कब का मर चुका है। संविधान, कानून, पाबंदियां, उसूल, दस्तूर अब भाजपा के लिए कुछ मायने नहीं रखते। मुश्किल तो शिवसेना की है, ऐसा तो नहीं कि पुराना हिसाब चुकाने के लिए शिवसेना के साथ कांग्रेस एनसीपी ने ही खेल खेला हो। भारत में सियासत अपना विकार खो चुका है, कोई भी पार्टी अपनी विचारधारा, सोच, फिक्र, नजरिए पर कायम नहीं है, और यही सच्चाई है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।